महाराज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत। सबसे पहले हमारे पास है सिम्पटम्स ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। ऐसी बीमारियां जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को लग सकती हैं, उनकी अलामत, उनका एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल होना और उनसे बचाओ। हेल्थ इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ अलमाइटी अल्लाह। सेहत अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। वी रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ व्हेन वी आर सिक। सेहत की अहमियत का अंदाज़ा हमें तब होता है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। दे मे बी मैनी काजेज ऑफ अ डिज़ीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्म्स, शॉर्टेज ऑफ हेल्दी फूड एंड पोल्यूशन एट्सेट्रा। बीमारी की कई सारी वजूहत हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर जरासीम, सेहतमंद फ़ज़ा की कमी और आलूदगी वगैरह वगैरह। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ऑब्ज़र्व द सिम्पटम्स ऑफ अ डिज़ीज़ टू डायग्नोस। बीमारी की तशखीस करने के लिए, बीमारी को अंदाज़ा लगाने के लिए क्या बीमारी है, पहले इलामात को देखना ज़रूरी है। हैव यू एवर ऑब्ज़र्व फीवर, कफ एंड फ्लू। क्या आपने कभी बुखार, खांसी और फ्लू का जायज़ा लिया है? जिस मरीज़ को ये बीमारियां हों, कभी उनको देखा है कि उनकी क्या अलामत होती हैं, उनकी क्या कंडीशन हो रही होती है? द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इंसान जब ठीक होता है, उसे बुखार नहीं होता, तो उस वक्त उसके जिस्म का दर्जा हरारत 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इफ़ आवर बॉडी टेम्परेचर क्रॉसेज दिस लिमिट, दिस देन इट इज़ कॉल्ड फीवर। अगर हमारे जिस्म का दर्जा हरारत इससे ज़्यादा हो जाए, 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाए, तो फिर इसका मतलब है कि इस शख्स को बुखार है। कफ इज़ एन इंस्टेंट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी जिस्म का जो फौरी रिस्पॉन्स होता है वो खांसी है। इट इज़ ड्यू टू द सॉरनेस एंड स्क्रैचिंगनेस ऑफ द थ्रॉट। गले में जब खुश्की हो या खराश सी आती है तो खांसी लगती है। कॉन्टेजियस डिजीजेस। इफ़ एनी वन ऑफ योर क्लास फेलोज सफर्स फ्रॉम फ्लू, देन यूजली द टीचर्स एडवाइज हिम और हर टू टेक रेस्ट एट होम। आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपकी क्लास में अगर किसी बच्चे को फ्लू हो तो टीचर्स उसे घर पे आराम करने का मशवरा देते हैं? वाई डू द टीचर्स से दिस? टीचर्स ऐसा क्यों कहते हैं? टीचर्स उस बच्चे को छुट्टी करने को क्यों कहते हैं? द एडवाइस बिकॉज द अदर चिल्ड्रन मे गेट नॉट फ्लू। वो इसलिए कहते हैं ताकि दूसरे बच्चों को भी फ्लू ना हो जाए। फ्लू इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्राम वन चाइल्ड टू अदर। फ्लू वो बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकती है। The disease which can be transmitted from one person to another person is called contagious disease. ऐसी बीमारी जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को मुंतकिल हो, लग सके, ऐसी बीमारी को contagious disease यानी कि मुतादी बीमारी कहते हैं। For example, flu, polio, tuberculosis और TB, hepatitis and COVID-19. मिसाल के तौर पर फ्लू, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस और कोविड-19। द फ्लू पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट कंजेस्टेड और रनी नोज एंड हेडेक। ऐसा मरीज़ जिसे फ्लू हो, उसकी शिकायत कंजेस्टेड या नाक बहना और सर का दर्द होती हैं, उसे ये शिकायत होती हैं। पोलियो इज कास्ड बाय अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जर्म कॉल्ड वायरस। पोलियो का जो मर्ज़ है वो एक ख़ास किस्म के जर्सीम जिसे वायरस कहते हैं उससे लगता है, वो वजह बनता है। दिस वायरस रिमेंस प्रेजेंट इन द थ्रॉट एंड इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ये वायरस इंसान के गले और आंत में मौजूद रहता है। इट पैरालाइज द लेग्स परमानेंटली। ये टांगों को हमेशा हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर मफलूज कर देता है। देर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज़। इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। पोलियो वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू फूड, वाटर एंड एयर। पोलियो वायरस
غذا، پانی اور ہوا سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. ٹی بی از کازڈ بائی اے پرٹیکولر ٹائپ آف جرم کالڈ بیکٹیریا. ٹی بی کا مرض جس جرثیم سے وجہ بنتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اسے بیکٹیریا کہتے ہیں. اٹ یوزلی افیکٹس لنگس. اس کا ڈائریکٹ اثر پھیپھڑوں پر ہوتا ہے. ٹی بی، فلو اینڈ کووڈ 19 آر ٹرانسمیٹڈ فرام ون پرسن ٹو اندر تھرو کفنگ، سنیزنگ، یوز آف آرٹیکلز آف دا افیکٹڈ پرسن اینڈ کنورسیشن. ٹی بی، فلو اور کووڈ 19 یعنی کہ کرونا وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص کو کھانسی، چھینکنے اور متاثرہ شخص کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو دوبارہ استعمال کرنے سے اور آپس میں بات چیت کرنے سے لگ سکتا ہے. دا انفلیمیٹری کنڈیشن آف دا لیور از کالڈ ہیپاٹائٹس. جگر میں جب سوزش ہو یا جلن ہو تو اس کنڈیشن کو، اس بیماری کو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں. دا جرمز آف ڈیزیز آر ٹرانسمیٹڈ تھرو پلیوٹڈ واٹر، فوڈ اور بلڈ. اس بیماری کے جراثیم آلودہ پانی، آلودہ کھانے یا آلودہ خون سے منتقل ہوتے ہیں. نان کنٹیجیس ڈیزیز. نان کنٹیجیس ڈیزیز از ناٹ ٹرانسمیٹڈ فرام ون پرسن ٹو اندر، فار ایگزامپل ڈائبٹیز اینڈ کینسر. نان کنٹیجیس ڈیزیز یعنی کہ خیر متعدی بیماریاں، وہ بیماریاں ہیں جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ڈائبٹیز اور کینسر. ان دا ڈائبٹیز دا شوگر لیول بیکمز ہائی ان دا بلڈ از انکریزڈ. ڈائبٹیز میں مریض میں شوگر کا جو لیول ہے، شوگر کی سطح وہ زیادہ ہو جاتی ہے. دا کامن سمپٹمز آف ڈائبٹیز آر فیلنگ ویری تھرسٹی اینڈ ہنگری، ایکسیس یورینیشن، ایکسٹریم فٹیگ اینڈ ویٹ لاس. ڈائبٹیز کے جو عام علامات ہیں وہ پیاس لگنا، بہت زیادہ بھوک لگنا، بہت زیادہ باتھ روم جانا یعنی کہ بہت زیادہ پیشاب آنا، بہت زیادہ تھکن ہونا اور وزن کا بہت زیادہ کم ہو جانا ہے. اٹ افیکٹس دا باڈی آرگن سچ ایز ہارٹ، کڈنیز اینڈ آئیز ایٹسیٹرا. یہ جسم کے اعضاء جیسے کہ دل، گردے اور آنکھوں کو متاثر کرتی ہیں ڈائبٹیز کی بیماری. کینسر کین اکر ان اینی پارٹ آف دا باڈی، فار ایگزامپل لیور، اسٹمک، انٹیسٹائن اینڈ بلڈ. کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں واقع ہو سکتی ہے، جیسے جگر، معدہ، آنت اور خون. دیر از این انکنٹرولڈ ان انکریز ان دا نمبر آف سیلز آف دا افیکٹڈ آرگن ان کینسر. کینسر کے مرض میں متاثرہ عضو میں خلیے بہت زیادہ تعداد میں بڑھ جاتے ہیں جنہیں کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. اٹ مے ریمین کنفائنڈ ٹو اینی پرٹیکولر آرگن اور مے سپریڈ ان دا ہول باڈی. ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ بیماری صرف ایک مخصوص عضو تک ہی محدود رہے یا پھر پوری جسم میں پھیل جائے. پریونشن آف کنٹیجیس ڈیزیزز. ایسی بیماریاں جو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکیں ان سے بچاؤ. دیر آر مینی ویز ٹو ریمین سیف فرام کنٹیجیس ڈیزیزز سچ از واشنگ ہینڈز، ویئرنگ ماسک اینڈ ویکسینیشن. متعدی بیماریوں سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں ہاتھ دھونا، ماسک پہننا اور بیماری سے بچاؤ کے قطرے پلانا بھی ہیں. واشنگ ہینڈز. واش یور ہینڈز پراپرلی فار ایٹ لیسٹ 20 سیکنڈز ود سوپ بیفور اینڈ آفٹر میل. کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد صابن کے ساتھ 20 سیکنڈ تک صحیح طریقے سے ہاتھ دھونے چاہیے. وی شوڈ آلسو واش ہینڈ آفٹر یوزنگ ٹوائلٹ. واش روم جانے کے بعد بھی ہمیں ہاتھ دھونے چاہیے. 7 steps فار ہینڈ واش. ہاتھ دھونے کے 7 مرحلے ہیں. رب ہینڈز پام ٹو پام ود واٹر. پانی کے ساتھ ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے ساتھ رگڑنا چاہیے. رب دا بیک آف بوتھ ہینڈز. دونوں ہاتھوں کی پشت کو، الٹے سائڈ کو بھی رگڑنا چاہیے. پام ٹو پام ود دا فنگر انٹر لاک.
दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के हथेलियों को रगड़ना चाहिए। बेक अ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम विद इंटरलॉक्ड फिंगर्स, उंगलियों को एक दूसरे में फंसा के हथेलियों को उल्टा करके भी धोना चाहिए। रब थंब इन अ रोटेटिंग मैनर फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन इंडेक्स फिंगर एंड थंब, रिपीट फॉर बोथ द थंब्स। अंगूठे को दोनों उंगलियों से शहादत उंगली से पकड़ के घुमा के धोना चाहिए और यही प्रोसेस दोनों अंगूठों के साथ करना चाहिए। रब द फिंगर टिप्स इनटू द पाम ऑफ योर अपोजिट हैंड, रिपीट फॉर बोथ हैंड। उंगलियों की जो टिप्स हैं पोर हैं उन्हें हथेली पे रगड़ना चाहिए और ये दोनों हाथों के साथ करना चाहिए। रब बोथ रिस्ट इन अ रोटेटिंग मैनर रिंस एंड ड्राई थॉरली, दोनों हाथों की कलाइयों को घुमाते हुए धोना चाहिए, रगड़ना चाहिए और पानी के साथ धोकर खुश करना चाहिए। आलमी हाथ धोने का दिन 15 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। वियरिंग मास्क, मास्क पहनना। डू यू नो व्हाट अ मास्क इज, क्या आप जानते हैं मास्क क्या होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वियरिंग अ मास्क, मास्क पहनने के फ़ायदे क्या क्या हैं? मास्क इज़ अ प्रोटेक्शन ऑफ योर नोज एंड माउथ फ्रॉम एनवायरनमेंट, आपके इर्द गिर्द माहौल से आपकी मुंह और आपकी नाक की हिफाजत करता है मास्क। द जर्म्स इंटर कैन नॉट इंटर द बॉडी थ्रू नोज एंड माउथ बाई वियरिंग मास्क, मास्क पहनने की वजह से जरासीम आपके नाक और आपके मुंह में दाखिल नहीं हो सकते। डू यू नो द प्रॉपर वे ऑफ वियरिंग द मास्क, क्या आप जानते हैं मास्क पहनने का सही तरीका क्या है? डू नॉट यूज़ द यूज्ड मास्क एंड डिस्पोज इट ऑफ इन अ प्रॉपर वे, कभी भी किसी का इस्तेमाल किया हुआ मास्क मत पहने और जब मास्क पहन लें तो फिर सही तरीके से ज़ाय कर दें। वैक्सीनेशन, डू यू नो अबाउट वैक्सीनेशन, क्या आप वैक्सीनेशन के बारे में जानते हैं? इन वैक्सीनेशन प्रोसेस यानी कि कतरे पिलाने के अमल में द वीक और डेड जर्म्स ऑफ एनी डिजीज़ आर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। वैक्सीनेशन में दरअसल किसी भी बीमारी के कमज़ोर या मुर्दा जरासीम बॉडी के अंदर दाखिल किए जाते हैं। द एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड टू फाइट द डिजीज़ एंड इम्यूनिटी डिवेलप इन द बॉडी। इस तरीके से जिस्म के अंदर उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं जो उस बीमारी के खिलाफ लड़ती हैं और जिस्म के जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बेहतरीन करती हैं। पोलियो इज़ अ डेंजरस डिजीज़ विच मे काज लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी, पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी के लिए मजदूरी हो सकती है। द कम्पेन इज़ लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक कम्पेन शुरू की थी, एक मुहिम शुरू की थी टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ दिस डिज़ीज़, इस बीमारी पोलियो से बचने के लिए पोलियो के कतरे पिलाने की। पोलियो ड्रॉप्स शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 years, 5 साल के बच्चों को लाजमी पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए। हैव यू बीन गिवन पोलियो वैक्सीनेशन, क्या आपको भी पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं? वेज ऑफ मेंटेनिंग गुड हेल्थ, अच्छी सेहत, बेहतर सेहत को किस तरीके से ज़्यादा अरसे तक कायम रखा जा सकता है? व्हाट वी शुड डू फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी कैन मेंटेन अ गुड हेल्थ बाय फॉलोइंग फ्यू बेसिक वेज, कुछ बुनियादी तरीके इस्तेमाल करके हम अपनी सेहत को अच्छी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर बैलेंस डाइट, मतवाजन ग़ज़ा। दिस मीन दैट वी शुड टेक ऑल टाइप्स ऑफ फूड, मिल्क, सीरियल्स, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि हमें तमाम ग़ज़ाई जो अज्जा हैं, ग़ज़ाएँ हैं वो सही मकदार में, मुनासिब मकदार में खानी चाहिए, जैसे कि दूध, अनाज, गोश्त, सब्जियां और फल। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ पानी पीना। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक क्लीन वाटर फॉर गुड हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी है कि साफ़ सुथरा पानी पिया जाए। मोस्ट ऑफ डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, ज़्यादातर बीमारियां आलूदा पानी पीने की वजह से होती हैं। एक्सरसाइज, वर्जिश। वन मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन फिट, सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि बाकायदगी के साथ वर्जिश की जाए।
वॉकिंग, रनिंग एंड प्लेइंग, जैसे कि वॉक करना, दौड़ना और खेलना। ब्रशिंग टीथ, दांत साफ करना। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में दो दफ़ा अपने दांत साफ करें। वंस इन द मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, एक दफ़ा सुबह जागने के बाद और दूसरा सोने से पहले। गेटिंग इनफ स्लीप, इट इज़ नेसेसरी टू हैव साउंड एंड कम्प्लीट स्लीप, ये ज़रूरी है कि आप पुरसकून नींद जरूर लें। चिल्ड्रन मस्ट स्लीप 8 to 10 hours डेली, बच्चों को रोज़ाना 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स, वी टेक वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स, फॉर एग्जांपल ग्रेन्स, मिल्क्स, मीट। हम बहुत सी तरह की खुराक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अनाज, दूध और गोश्त। द फूड हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स, हमारा जो खाना है, हमारी जो फूड है, उसको 4 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। डेयरी ग्रुप इट इंक्लूड्स मिल्क एंड थिंग्स मेड अप ऑफ मिल्क सच इज़ बटर, चीज़ एंड योगर्ट एट्सेट्रा। डेयरी ग्रुप में वो तमाम गज़ाएँ शामिल हैं जो दूध और दूध से मिल के बनती हैं, जैसे कि मक्खन, चीज़ जैसे कि पनीर और दही वगैरह। ग्रेन ग्रुप इट इंक्लूड्स वीट, राइस, बारले, पर्ल, मिलेट, मेज, पल्स एट्सेट्रा, इसमें तमाम अनाज आ जाते हैं, जिसमें तमाम दालें भी हैं और गंदम और बाकी सारे अनाज शामिल हैं। मीट प्रोटीन ग्रुप इट इंक्लूड बीफ, मटन, फिश, चिकन, नट्स, लिग्यूम, एग एट्सेट्रा, इसमें तमाम गोश्त और लिग्यूम्स और अंडे वगैरह शामिल हैं, जो कि प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है। फ्रूट एंड वेजिटेबल ग्रुप, फलों और सब्जियों का ग्रुप, इट इंक्लूड्स फ्रूट सच एज एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, पपाया एट्सेट्रा, एंड वेजिटेबल्स सच एज लेडी फिंगर, टर्निप, रेडिश, कैरेट, कैबेज, पोटैटो एट्सेट्रा, इस ग्रुप में तमाम फल और सब्जियां शामिल हैं। इट इज़ नेसेसरी फॉर अस टू टेक प्रॉपर क्वान्टिटी ऑफ फूड फ्राम डिफरेंट फूड ग्रुप्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ डाइट ऑफ अवर बॉडी, हमें चाहिए कि हम अपने जिस्म की ज़रूरत पूरा करने के लिए तमाम फूड ग्रुप्स में से खाएं। सिर्फ एक ही फूड ग्रुप में से नहीं खानी चाहिए तमाम चीज़ें, बल्कि हर ग्रुप में से मुनासिब मकदार में खाना चाहिए। द इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज आल्सो टेक प्लेस इन अवर बॉडी बाय टेकिंग बैलेंस्ड डाइट, मतवाजन ग़ज़ा खाने की वजह से हमारे जिस्म का जो मुदाफियाती निज़ाम है वो सही रहता है। वी रिमेन हेल्दी एंड एनर्जेटिक, हम सेहतमंद और पुरजोश रहते हैं, तवानाई से भरपूर रहते हैं। द नीड ऑफ फूड कंपोनेंट्स फॉर ईच पर्सन वेरीज, हर शख्स के लिए जो खुराक की ग़ज़ाई अज़ा हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, वाटर एट्सेट्रा, ये हर शख्स के लिए उसके जिस्म के मुताबिक बदलते रहते हैं। अ डाइट इट कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटीज एंड प्रॉपर प्रोपोर्शंस टू फुलफिल द नीड ऑफ बॉडी इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट, ऐसी खुराक, ऐसी ग़ज़ा जिसमें तमाम तरह के खुराक मुनासिब मकदार में और सही तनासब से मौजूद हों, जो जिस्म की तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें, उसे बैलेंस्ड डाइट यानी कि मतवाजन ग़ज़ा कहते हैं। वैल्यू ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ पीने के पानी की अहमियत। क्लीन वाटर इज़ नेसेसरी बिकॉज वाटर इज़ लाइफ, साफ पानी ज़रूरी है क्योंकि पानी ज़िंदगी है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत पानी ही है, तो पानी है तो ज़िंदगी है। 60% ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर, इंसानी जिस्म का 7% हिस्सा पानी से मिलकर बनता है। ब्लड सर्कुलेट्स इन द बॉडी एंड प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड फूड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी ड्यू टू वाटर, जिस्म में खून गर्दिश करता है और पूरे सारे जिस्म के हर हिस्से को ऑक्सीजन और ख़ज़ा पहुँचाता है, तो सिर्फ पानी की वजह से। जर्म्स आर प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड वाटर, जो आलूदा पानी होता है तो वो गंदा होता है, उसमें जरासीम मौजूद होते हैं। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर मे काज डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड हेपाटाइटिस, आलूदा पानी पीने की वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो सकती हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड और हेपाटाइटिस। क्लीन वाटर इज़ एसेंशियल फॉर अ हेल्दी लाइफ, सेहतमंद ज़िंदगी के लिए साफ पानी
ज़रूरी हैं। फैक्टर्स पोल्यूटिंग वाटर, वो अवामिल जो पानी को आलूदा करते हैं। एयर कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस गैसेस, डर्ट एंड पार्टिकल्स। हवा में बहुत सी गैसें, मिट्टी के ज़रात और दूसरे ज़रात मौजूद होते हैं। ऑल ऑफ दीज मिक्सेस विद रेन वाटर, ये तमाम ज़रात बारिश के पानी के साथ घुल मिल जाते हैं। सच रेन वाटर रीचेज इन पॉन्ड्स, कैनाल्स, रिवर्स, लेक्स एट्सेट्रा। और जब यही बारिश का पानी तालाबों में, नहरों में, दरियाओं में और झीलों में आता है एंड मेक देम पोल्यूटेड, और उन्हें भी आलूदा कर देता है। द पॉइजनस वाटर कमिंग फ्राम होम्स, फैक्ट्रीज, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स एंड गर्बेज इज़ आल्सो पोल्यूटिंग वाटर। इसके साथ साथ वो पानी जो जहरीला होता है, घरों से आता है, कारखानों से आता है, कीड़े मार अदवियात की वजह से जो पानी जहरीला हो जाता है, खादों की वजह से, और जो बाकी कचरा होता है उसकी वजह से पानी भी आलूदा होता है। मेक वाटर क्लीन एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए पानी को साफ करना और मुनासिब बनाना। देर आर मैनी वेज टू मेक वाटर क्लीन एंड सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, बहुत से तरीके हैं जिससे पानी को साफ़ और पीने के काबिल बनाया जा सकता है। बॉइलिंग, कीप ऑन हीटिंग वाटर इन अ पॉट टिल बॉइलिंग, किसी भी बर्तन में पानी को गर्म करें यहाँ तक कि वो उबलने लगे। देन लेट इट बॉयल फॉर अनदर 5 to 10 minutes, और फिर जब ये उबलना शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर से 5 से 10 मिनट तक इसे उबालें। ड्यू टू दिस द जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर विल बी किल्ड, इससे जो जरासीम पानी में मौजूद होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, वो तल्फ हो जाएंगे। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू क्लीन वाटर, पानी साफ़ करने का ये सबसे आसान तरीका है। फिल्ट्रेशन, हैव यू एवर सीन टी बीइंग मेड, क्या आपने कभी चाय बनती हुई देखी है? व्हेन द टी इज़ पास्ड थ्रू द सीव, टी लीव्स आर फिल्टर्ड आउट, जब चाय को छाना जाता है तो चाय के जो पत्ते होते हैं, जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, वो छान ली जाती है। टी इज़ कलेक्टेड इन अ कप विदाउट टी लीव, और बगैर चाय के पत्तों के चाय नीचे कप में आ जाती है। वाटर इज़ आल्सो पास थ्रू द फिल्टर फॉर क्लीनिंग इन द सिमिलर वे, इसी तरीके से फ़िल्टर में से पानी को गुजारा जाता है। द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर कैन नॉट पास थ्रू द पोर्स ऑफ फिल्टर, जो ज़रात पानी में मौजूद होते हैं वो फ़िल्टर में से नहीं गुजर सकते। एंड वी गेट क्लीन वाटर, और हमें साफ पानी मिलता है। द प्रोसेस बाई विच द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर आर सेपरेटेड बाई फिल्टर इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन, वो अमल जिससे कि पानी में मौजूद ज़रात को अलग किया जाता है उसे फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। आप ये नीचे तस्वीर में देख भी सकते हैं।